हाय फ्रेंड्स, आज मेरे मम्मी ने बनाया है तवा पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। पहले एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें एक कटोरी मैदा डाल लीजिए। आधा चम्मच नमक, आधा कटोरी दही, एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद ये पूरा आटा को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और अच्छा से डो बना लेंगे। हाथ से पानी डाल के हाथ से गूंद देना, डाला था इसलिए हाथ से अच्छा से उसको मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छा से गूंद लीजिए। अब हमारा सॉफ्ट डो बन चुका है। आटे के ऊपर एक प्लेट रख के उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा आटा तैयार है। अब दोनों हाथ को थोड़ा तेल लगा के 2-3 मिनट मसल लेना है। अब हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। पिज़्ज़ा का सॉस बनाने के लिए आधी कटोरी टमाटो केचप ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर डाल दीजिए और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो और आगे अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना है आपको यह रेसिपी कैसी लगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल के उसको अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा आटा ले लीजिए और उसको अच्छा से गोला बना के, अब एक चकला ले लीजिए और उसको ऊपर थोड़ा सूखा मैदा डाल के उसको मीडियम साइज रोटी जैसा बेल लीजिए। आटे पे थोड़ा और सूखा मैदा डाल लीजिए और उसको अच्छा से मीडियम साइज रोटी जैसा बेल लीजिए। अब हमारा मीडियम साइज्ड पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार है। अब एक फॉर्क चम्मच लेके उसके ऊपर नोचेस लगा लेंगे। नोचेस लगाने से हमारा पिज़्ज़ा बेस पूरी जैसा नहीं फूलेगा, इसलिए नोचेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम गैस पे एक तवा रख के उसको गर्म करने के लिए 2 मिनट तक रख लेंगे। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बेस तवे के ऊपर 2 मिनट अच्छा से हल्का सा सेक लेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छा से सेक चुका है और हम उसे एक प्लेट का ऊपर निकाल लेंगे। अब हमने तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा सॉस हमारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से पूरे जगह पर लगा लेंगे। अब हम उसके ऊपर चीज़ स्लाइस डालेंगे।
अच्छा से चीज स्लाइस डाल देंगे हम पिज्जा बेस के ऊपर। पूरे पिज्जे का ऊपर थोड़ा थोड़ा लग करके चीज डालेंगे। ये पिज्ज़ा की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट दे के बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसे बना है। अब हमने अच्छा से चीज़ लगा लिया है, अब एक टमाटर काट लीजिए, एक प्याज और आधा शिमला मिर्च काट के अच्छा से उसका ऊपर लगा लेंगे। एक एक टुकड़ा करके पूरा पिज्जा का ऊपर लगा लीजिए। अब शिमला मिर्च लगा दी है, अब हम एक एक टुकड़ा डाल के अच्छे से पिज्जा को सजा लीजिए। अब हमको पूरा पिज्जा बेस के ऊपर प्याज लगा लेना है, अच्छा से एक एक टुकड़ा करके लगा लीजिए। अब हम टमाटर के टुकड़े लगाएंगे, प्याज और शिमला मिर्च के बीच में, अभी आप शिमला मिर्च और प्याज के बीच में भी डाल सकते हैं। अब हमारा पिज्ज़ा बेस तैयार हो चुका है। अब हम हमारे पिज्ज़ा बेस के ऊपर आधा चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, आप चाहिए तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला, चाहिए तो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम साइड को थोड़ा तेल लगा लेंगे, हमने गैस पे तवा 2 मिनट से गरम होने के लिए रख दिया था। अब हमारे पिज्जे को एक प्लेट में डाल के तवे के ऊपर रख के ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक बेक होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल के देखा तो हमारा पिज्ज़ा बेक होके अच्छा से रेडी हो गया था, तो हम उसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लिया हमने, तो आप एक नाइफ लेंगे और उसका 4 पीसेस बना लेंगे। आप चाहिए तो 6 पीसेस भी बना सकते हैं और 8 भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 लोग थे इसलिए हमने 4 पीसेस बना लिए हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कट कर सकते हैं, कटर से अच्छा कट होता है, हमारे पास कटर नहीं था इसलिए हमने नाइफ से कट किया। देखिए आप, हमारा पिज्ज़ा अच्छा से तैयार हो चुका है और क्रिस्पी भी बन गया है। तो आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।